हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चा लोग आप सभी के। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक सीबीएसई बोर्ड का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग लगभग कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ये वाला डेरिवेशन इतनी बार पूछा जा चुका है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान है। तो मैं SM सर आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एडू एरेना कोटा पर मोस्ट वेलकम करता हूँ आज के इस इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पर। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज रिंग की वजह से कितना होता है, और ये डेरिवेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक, हमने एक रिंग बनाई, उस रिंग में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका वैल्यू है क्यू। ठीक है, रिंग का रेडियस है आपके सामने कैपिटल आर। तो हमें ये बताना है कि इसकी एक्सियल डिस्टेंस पर, दिस इज योर एक्सियल डिस्टेंस, इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई का वैल्यू हमें पूछा है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियोस में, नहीं देखा तो यहाँ बताता देता हूँ मैं फिर से, कि किसी चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज होता है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही डायरेक्शन होता है, और यदि नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है और उसकी डिस्टेंस चार्ज से आर है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, उसकी डिस्टेंस आर है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगा बेटा आपके सामने, जैसे देखिएगा नेगेटिव इस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ओके, ये आप पढ़ चुके हैं, हमें इस, ये तो हमें पता है, आपको भी पता है, लेकिन हमें इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो ये वाली डिस्टेंस एक्स है तो ये आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि देखो दिस इज द बेस, दिस इज हाइपोटेनस, तो सॉरी दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो जोड़ने से क्या बनेगा, ये हाइपोटेनस। आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस बराबर आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये सब चीज सबको पता है। देखिए, मैं इतने से चार्ज के पीस की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से अवे डायरेक्शन में बनेगा, और उसका मैग्नीट्यूड डी ई होगा, क्योंकि मुझे पूरे चार्ज रिंग की वजह से निकालना है, तो वो ई माना मैंने, तो छोटे चार्ज की वजह से कितना होगा डी ई, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा के छोटा चार्ज डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही लिखा मैंने फॉर्मूला, ये वाला। ओके, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे इतने से चार्ज की वजह से नहीं चाहिए बेटा, मुझे इस पूरे रिंग की वजह से चाहिए, तो मैं बहुत छोटे छोटे पीस काटूंगा, छोटे छोटे पीस काटूंगा, छोटे छोटे पीस काटूंगा, और उनको ऐसे मिलाते जाऊंगा। तो आपको पता है कि जब छोटे छोटे पीस को काट कर जोड़ते हैं, छोटे छोटे पीस की वजह से यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और उसको जोड़ दें, तो हमें हमें इस वाले पॉइंट पर देख रहे हैं आप, देश में कितने मन चले चल रहे हैं, बुलेट जैसी गाड़ियां चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, टीचर से पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, क्या करें, लेकिन देश तरक्की कर रहा है हमारा। तो देखिए बेटा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हमने, इस चार्ज की वजह से इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यदि मैं इस पूरे चार्ज को जोड़ दूं, और तुम्हें आप सभी को पता है कि जोड़ने का क्या तरीका है, जोड़ने का एक ही तरीका हमारे फिजिक्स में, इंटीग्रेशन। ठीक है, कौन सा तरीका है बेटा, इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, तो फिर अब देखिएगा इस रिंग की वजह से, देखिए आप इस रिंग की वजह से यहाँ पर डिस्टेंस,
यहाँ पर डिस्टेंस, थोड़ा सा थ्री में विजुलाइज कीजिएगा, हर जगह से ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये अंदर से, ये थ्री डी रिंग जैसा देखिए थोड़ा सा, ये सब आर ही होगा, आर बोले तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है भाई, ये वैल्यू होगी। अब देखो ये सारों के लिए ये एक्स का डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा, क्योंकि सब ये कहीं ना कहीं रिंग ऐसे तिरछी रखी हुई है, ऐसे ऐसी रिंग है ये। तो देखो यहाँ पॉइंट पर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर करेंगे सब एक होगी, और यहाँ से ये जो एक्स है वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर सारी टर्म्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है आपका, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आर रेडियस ऑफ द रिंग फिक्स है, ठीक है। अब देखिएगा मेरे को एक बात और बताइएगा कि ये जो थीटा बनेगा ना ये हर पॉइंट से सेम बनेगा बेटा, थोड़ा सा देखिएगा आप एक केप जैसा, किसी जैसे चूड़ी को देखिए और चूड़ी को ऐसे रख दीजिए, अब मैं आपको दिख नहीं रहा तो मैं आपको कैसे समझाऊँ ये चीज़, थोड़ा सा मेरे लिए, तो ये रिंग आपने कहीं खड़ी रख दी, उससे आप एक्स डिस्टेंस देख रहे हैं, कौन सी वाली, ये, तो जब आप चूड़ी से खड़ी रिंग देखोगे तो हर जगह से हर पॉइंट से आपको, और आप किसी पॉइंट को उस चूड़ी के रिंग से मिलाओगे तो वो सब सेम डिस्टेंस पर आएगा, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आर आर फिक्स हो चुका है, ठीक है, एक्स फिक्स हो चुका है, मुझे इंटीग्रेट करना है, तो देखिए इस वाले पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस वाले पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये थीटा होगा, तो क्या ये थीटा बनेगा, बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, दिस इज थीटा, तो इस डी का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा, डी ई कॉस थीटा, और इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा, बस इस लिखने तक ही समझ में आएगा आपको, लिखने के बाद नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ये डी ई साइन थीटा हो गया आपका, और ये डी ई कॉस थीटा हो गया, मान लीजिए रिंग के इस पीस की वजह से निकालूं मैं, कौन से पीस की वजह से, इस पीस की वजह से, थोड़ा मोटा कर देता हूँ इसको, इस पीस की वजह से निकालूं, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा, देखो ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो देखिएगा ये वाला कंपोनेंट वापस से कितना बन जाएगा इसका, ये वाला डी ई कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा और ये साइन थीटा बराबर, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो ये कट जाएंगे, ये वाली टर्म्स कट जाएगी, ये वाली टर्म्स जाएगी, सिर्फ ये बचेगी, तो आपको इंटीग्रेट करते वक्त क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी ई कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू ई, ठीक है भाई, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब मैंने देखो डी की वैल्यू निकाल के रखी हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बेटा, थीटा फिक्स, यहां देखना थीटा फिक्स, ठीक है, कैपिटल आर फिक्स यानी कि कॉन्स्टेंट, ठीक है, एक्स फिक्स तो ये भी कांस्टेंट, के ऑलरेडी हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फिक्स, यानी कि ये सब क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, ठीक है, ये सब कांस्टेंट है, तो आपका इंटीग्रेशन से बाहर कौन आएगा जी, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा आपका के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर बेटा, ये है ना के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, सॉरी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, बाहर इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचेगा, डी क्यू, और मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, क्यू, तो आप यदि क्यू चार्ज को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के जोड़ोगे तो वापस से कितना आएगा जी, क्यू ही आ जाएगा ना, तो देखिएगा के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू क्यू, दिस इज योर रिजल्ट, मगर आपको कभी भी ये रिजल्ट देखने को नहीं मिला होगा, आपको कुछ अदर ही रिजल्ट देखने को मिलता है बुक के अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता थोड़ा सा और, अब आपने एक चीज़ देखी यहाँ पर, देखिएगा बेटा ये चीज़ देखिए, आपने देखा ये ट्रायंगल बन रहा है, तो क्या आप कोस थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, कर सकते क्या, देखो करने की कोशिश करता और मैं बताता आपको, ये थीटा है
ये आर है और ये एक्स है, तो यहाँ से कोस थीटा कितना लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है हुआ। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो वापस से, रख दें तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, कोस थीटा, कोस थीटा की जगह रख दूँ एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई वेक्टर बराबर के क्यू एक्स ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कितना हो गया देखो, ये पावर वन है और इसकी पावर कितनी है बेटा, 1/2, जानते ना आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट को क्या लिख सकता हूँ मैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता कि नहीं लिख सकता, लिख सकता ना। तो देखो ये पावर 1/2 है ये पूरी की, और ये 1 है ये 1, तो आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। देखो जिसको आसानी से समझ में आता है वो इंटू टू की स्पीड पे करके देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट। अरे बेटा बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, और जो एक्स है वो सेंटर से किसी पॉइंट की दूरी है जिसको हम लोग एक्सियल डिस्टेंस भी बोलते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स है, कोई आपसे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, तो एक बात बताओ मेरे को, सेंटर ऑफ रिंग पर क्या जीरो हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि देखो आपने देखा सेंटर ऑफ द रिंग, तो ये एक्स का वैल्यू ये घटता 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 यहाँ आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू जीरो, तो ये टर्म जीरो, ये टर्म भी जीरो सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया, बिल्कुल ये लीजिए, ये सही बोले आप, तो ई बराबर कितना, जीरो। और आप कभी पढ़े हों थोड़ा बहुत भी तो आपको याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी रिंग के सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जीरो होता है। मान लीजिए आपके पास ये रिंग है जिसको फ्रंट से देख रहे हैं आप, ऐसे चार्ज बिखरा हुआ है, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो कितना बेटा, जीरो ही आता है, आपने कैलकुलेट भी किया होगा और हमने यहाँ से प्रूव भी कर दिया, बराबर एकदम बराबर ना। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर जी, इनफाइनाइट पॉइंट पर, किस पर, इनफाइनाइट पॉइंट पर, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइट पॉइंट, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। जब एक्स का वैल्यू यहाँ रखोगे तो सारा का सारा इनफाइनाइट हो जाएगा, ई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब ई का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगा, क्यों इसको देखिएगा, क्योंकि ई का वैल्यू एक डिस्टेंस के साथ घटता है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, अपने पास आपने सोचा होगा कि सर एक्स का वैल्यू जैसे यहाँ जीरो रखा, रख दो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। देखिएगा दोबारा से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन दोबारा से, एक्स की पावर होल 3/2 इंटू एक्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, अब एक्स के बहुत बड़ा हो गया किसके कंपेरिजन में, आर के कंपेरिजन, तो एक्स को हम लोग सॉरी आर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते, तो देखिएगा ई नेट बराबर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर होल 3/2। फिर आ गए हमारे बुलेट वाले भैया, फिर आ गए बच्चों को नहीं पढ़ाने दे रहे, के क्यू एक्स अपॉन ये कट जाएगा तो ये एक्स की पावर 3 बचेगा, तो ये एक्स एक्स कट गया, देखो कितना आ गया के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्या आपको लग रहा है क्या, बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, आया ना। तो आप देखो किसी रिंग को बहुत दूरी से देखेंगे आप
तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, वैसे एक बात बता देता हूँ, आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही खत्म हो गया। आप इस वीडियो को यदि आगे भी नहीं देखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ यहाँ तक ही देखा जाता, पूछा जाता है आपसे। ठीक है बेटा, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।